एक पास जिते पंजाब सरकार वालों दावा किया जा रहा है कि किसानों किसी भी तरह मुश्किलें नहीं आने दी जाएंगी, पर दूजे पास यही गल झूठी होंदी नज़र आ रही है। गुरदासपुर में खाद लैन लई किसानां इफको किसान सेवा केंद्र में खज्जल खराब होंदे नज़र आ रहे हैं। किसानों वालों दोष लगाए जा रहे हैं कि उह सवेरे 5 बजे दे लाइनां विच खड़े हाँ, पर राजनीतिक दखल करके पहलां लीडरां दे चेतियां नूं खाद दित्ती जांदी है ते सानूं रोज़ आटो दा किराया भी पै जांदा है। बाहरों खाद ब्लैक विच 1600 रुपये तक मिलती है, इतों 1200 रुपये की मिलती है। जदों इस संबंधी जदों इफको किसान सेवा केंद्र दे डिप्टी मैनेजर रविंद्रपाल सिंह नाल गल की गई तो उस सवालों तो बचते नज़र आए। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई मुश्किल नहीं आ रही है। खाद भी मिल रही जी, देखो कितने दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, कणक की बिजाई लेट हो गई है। तो मतलब असी सवेर के 5:30 बजे इतने आ खड़े हैं, मतलब अजे तक तो कोई आस नहीं कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप देख लो तुम कि दुनिया खलोती है, तो बहुत मुश्किल है जिम्मीदारों सारे ना खज्जल खराब हो रहे, अपना काम घर छड़ के सारे देख लो इतने घर बन के बैठे। प्राइवेट जिहड़े वो वैसे ब्लैक दे अंडे आ, वो 1500-1600 रुपया लाउन डे आ बैग का, इतों तो जो सरकारी रेट से मिलेगी 1200 तो कुछ है, 1200 हाँ जी चलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी 6,500 रुपये पूरे 6,500 ही चाहिए। तो उस बारे कोई है ही नहीं, बंदा कोई नहीं कर देने वाला, वो एम एल ए साहब को जाकर बैठे की करिए, सो मुश्किल है। खाद मिले दाखिल हो बाहरों ब्लैक मिलती है, खाद वधिया नहीं होंदी, ओरिजिनल खाद नहीं होंदी, खाद भी माड़ी जिहड़ी बाहरों मिलती है, खाद भी माड़ी आ, मिलनी ब्लैक आ, तो बाहरों इस खाद लैंदा फायदा कोई नहीं। मैं स्टडी के मैंबर हाँ, अं स्टडी खाद सू चाहिए आ, यो स्टडी खाद ही है, पर दिन तो ही है ना, इस करके सारा रश है, जिन्हें बंदे हर स्टडी वाले ही आ। गुरदासपुर लोकल है, कल की पट्टी कटाई हुई, कल भी खाली गए हैं, अज भी सवेर दे आके लैन लाई है इतने, पर अभी तक कोई बंदा नहीं आया। जदों के कोई टाइम टेबल होना चाहिए स्टोर खोलन का, क्योंकि जनता को खराब क्यों कर रही है, अपने जो सैकटरी साहब जो इंचार्ज हैगा वा उन्होंने टाइम ना आके अपने खोलना चाहिए, टाइम ना आके जनता को तोड़े अपने जाके कारोबार करे। एक बंदे की वजह ने इतने हज़ार बंदे जे तंगी उठा रहे ने, तुहानू पता ही है, ये करके सरकार को चाहिए कि जो भी काम करना अपने टाइम सिर करे, टाइम सिर दुनिया में खाद वंडी जाए तो जाके दुनिया अपने आराम ना कणक बीजे। अभी सवेर दे आए 5 बजे जी, 5 बजे तो आए इतने बैठे, कल की पर्ची कटाई, कल भी खाली गए तो 2 टेंपू लैके आए खाद वास्ते, कल भी वह 400-500 रुपया सूँ वैसे देना पाया किराया, अच्छ फिर सूँ तो टेंपू लिया दोबारा फिर वो भी देना पैना किराया। इस करके साड़ी बेनती है सरकार से कि जो भी टाइम टेबल हैगा वो टाइम ना खोलो, तो जिस तरह भी किसी का अपना मान लो भी आता है वा नंबर, उन्होंने नंबर नंबर से खाद दी जाए, ये साड़ी बेनती है सरकार। इतने डिप्टी मैनेजर लगा, मैं कला ना है इतने कले होने नाते पैसे भी लैने और इन्हों डिस्ट्रीब्यूट भी करना, खाद की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इमानदारी ना लैके चल जाना, ये हम इदा कि किस तरह दी जा सारी खाद, अभी आराम के नाल इन्हों कल भी दी अज भी खाद देवे, मैंने मतलब कोई नहीं है बार लैन, अभी 1200 रुपया साडा रेट है, कोई चीज टैग नहीं करते, 1200 में खाते भी देंगे सर, इन्होंने कोई कहना हाँ 10 बजे का टाइम 10 बजे का होना, चलो मती फिर 4 बजे बनाया तो नहीं।